सूरत शहेरना पांडेस्ता विस्तारमां बाटली बॉय पासेथी 33 किलो गांजो झड़पी पाड़वामां आव्यो। पोलीसे 33 किलो गांजा साथे बे महिला सहित कुल 5 लोकोने झड़पी पाड्या। पकड़ेल आरोपीओमांथी एक आरोपी पायलोटिंग करतो हतो, बाकी 4 आरोपीओ ऑटो रिक्शामां गांजो लावता हता। आरोपीओ ओडिशाथी सूरत सेकंड एसीमां गांजो लावता हता। गांजाने स्मेल न आवे ते माटे गांजाने कापड़मां बांधी तेनी उपर प्लास्टिकनुं कवर लगाड़ी बेगमां पेक करता हता। पोलीस ने शंका न जाय ते माटे बे कपल द्वारा आ गांजो ओडिशाथी सूरत लावामां आवतो हतो। छेल्ला 6 महीनामां 3 वखत आ रीते ओडिशाथी सूरत ट्रेन द्वारा गांजानो जत्थो लावामां आव्यो हतो। एक वखत 10 किलो गांजो लावामां आव्यो, बीजी वखत 15 किलो गांजो लावामां आव्यो, त्रीजी वखत 20 किलो लावामां आव्यो। एम गांजानी साथे 4 मोबाइल अने 3,37,000 जत्थो कब्जे करवामां आव्यो छे। आम कुल मळीने पोलीसे 4,40,000 मुद्दामल पकड़ी पाड्यो। पोलीसे हाल आ तमाम आरोपीओ विरुद्ध एनटीपीएस एक्ट मुजबनो गुनो नोंधीने आगळनी तपास शुरू करी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंडिया टीवी, सूरत। सूरत शहर के पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में 22 तारीख को पुलिस स्टेशन स्टाफ को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि गांजा कुछ 30-40 किलो जितना गांजा है जो 3-4 लोग लेके आ रहे हैं। तो बाटली बॉय 3 रास्ता है, वहाँ पे उन्होंने वॉच में रहे तो वहाँ पे एक एक्सेस मोपेड जिसका नंबर GJ05PT3904 था उसको रोका गया। रोक के पूछताछ की गई तो उसने तुरंत ही बता दिया कि माल मेरे पास नहीं है, पीछे से जो ऑटो आ रहा है उस ऑटो रिक्शा में जो मुद्दा माल है वो है। तो ऑटो रिक्शा में जितेंद्र उर्फे जीतू उमा सवाई, ये मूल रूप से सोरोडा गंजम जिला उड़ीसा का रहने वाला है। दूसरा इनके साथ में विपिन मिटिक मलिक, ये भी गंजम उड़ीसा का रहने वाला है। और इन दोनों की वाइफ, एक का नाम जुगनू है और एक का नाम लक्ष्मी है। तो दोनों दो कपल हैं और दो बच्चे इनके साथ, ये इनके साथ में 2 सूटकेस थे और ये ऑटो रिक्शा में बैठ के आ रहे थे। और आगे आगे ये जो लड़का है जिसको सबसे पहले पकड़ा गया था जितेंद्र उर्फे जीतू, ये आगे आगे उसकी पायलटिंग कर रहा था। तो जब बाद में सरकारी पंचों को बुला के और सारा एग्जामिन किया गया तो उनके पास से 33 किलो 774 ग्राम गांजा मिला जिसकी कीमत 3,37,740 रुपये है। और मोबाइल फ़ोन उनके पास में से 4 मिले हैं, एक मोपेड जिसमें वो पायलटिंग कर रहे थे वो मिली है। ऐसे कुल मिला के 4,04,540 रुपये का मुद्दा माल है वो पुलिस ने कब्जे में लिया है। और अभी 5 आरोपी हैं उनका अभी अरेस्ट किया गया है। और ये लोग सेकंड एसी में उड़ीसा से बैठते थे और सूटकेस में एकदम प्रॉपर तरीके से गांजे को पहले कपड़े में पैक करते थे, फिर उसको ऊपर प्लास्टिक से एकदम एयर प्रूफ एयर टाइट एकदम पैक करते थे ताकि गांजा की स्मेल नहीं आए, फिर उसको कपड़े का जो बंद सूटकेस आता है उसमें पैक करते थे। और सेकंड एसी में ये लोग ट्रेवल करते थे कपल के साथ में ताकि कोई भी इन पे रास्ते में या यहाँ सूरत में जब ये ट्रेवल करें तो उन पे कोई भी डाउट नहीं करे कि ये इस तरह का मादक पदार्थ लेके आ रहे हैं। तो अभी इन चारों 2 कपल और एक ये पायलटिंग करने वाला जितेंद्र, इन 5 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है और इन लोगों से अभी पूछताछ चल रही है। ये लोग जो कपल है उन्होंने अभी आरंभिक पूछताछ में बताया कि उनको हर एक टूर का टिकट है वो उनको जो सप्लायर है और मंगाने वाला है उनकी तरफ से दिया जाता है और हर टूर का उनको 10,000 से 15,000 रुपये मिलते हैं। वो आके और यहाँ पे जो भी मंगवाने वाला आदमी है उसको हैंडओवर कर देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो उनको टिकट, खाने पीने के पैसे, उसके अलावा हर एक ट्रिप का उड़ीसा से सूरत आना और वापस जाना, इसके 10,000 से 15,000 के बीच में पर कपल को ये लोग पे करते थे। और सिर्फ इनके पास अभी मोबाइल नंबर है, ये दोनों साइड के लोगों का नाम नहीं जानते हैं। तो मोबाइल नंबर हम लोगों ने ले लिया है, उसका डिटेल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और आगे की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये तीसरी बार आए थे, ये जो कपल है दोनों कपल ये तीसरी बार आए थे। एक बार ये 10 किलो के आसपास गांजा लेके आए इन्होंने बताया है, दूसरी बार ये आए 13 किलो के आसपास बताया और इस बार ये 33 किलो लेके आए थे। तो इस बार ये पकड़े गए हैं, अभी पूछताछ कर रहे हैं। जितने भी आरोपी और होंगे सप्लाई चेन में उन सबका अभी नाम खोल दिया जाएगा और उनको अटक किया जाएगा। ये जितेंद्र उर्फ जीतू उमा सवाई है, ये पहले यहाँ लूम में काम करता था। कुछ टाइम पहले इसने लूम का काम छोड़ दिया, वापिस उड़ीसा चला गया था। वहाँ कुछ लोगों से ये मिला जिनका अभी वो नाम नहीं बोल रहा है, हर बार पूछताछ में नाम चेंज कर रहा है। उसके बाद से इसने ये शुरू किया कि यहाँ गांजा जो है वो लोकल
उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया जो सप्लायर है मूल उड़ीसा का, उसने कि ये लोग हैं जो गांजा का यहाँ पे बिक्री करते हैं सूरत में, तो तुम इनके टच में रह के ये काम करोगे तो तुम्हें कुछ मार्जिन मिलेगा। थैंक यू। कपल है उड़ीसा के रहने वाले के सूरत से लेकर उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये उड़ीसा से आते हैं सेकंड एसी में बैठ करके और वापस उड़ीसा चले जाते हैं डिलीवरी करने के बाद में। कपल का बैकग्राउंड क्या है? इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री कोई भी नहीं।